तो बच्चों हम करा रहे थे आपको 31 ईयर वाले प्रॉब्लम, ठीक है। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन किए होगे या देखे होगे वो उसी के जैसे है, बट इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि देखो, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है और स्पीड ऑफ लाइट है, और न्यूटन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, ये तीन है, ये फंडामेंटल कॉन्स्टेंट है। ये कह रहा कि फंडामेंटल कॉन्स्टेंट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब इन चारों में से किसका लेंथ का डायमेंशन है, तो पहला तो ऑप्शन ये हो गया कि हम सभी को चेक कर लें कि किसका डायमेंशन लेंथ का है, और वो सही हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि जो लेंथ का डायमेंशन है इज प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड करता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इसको वाई मान लेता हूँ, और इस पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे पावर जेड मान लेता हूँ। दूसरा तरीका है, एक्स से डिराइव करो, तो अब एच का प्लैंक्स कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन फार्मूला एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी का हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी का हो गया टी की पावर माइनस वन। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का बना एम और एल की पावर टू और टी की पावर माइनस वन, दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। चलो, और सी स्पीड ऑफ लाइट है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो निकाल लो। जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर होता है, तो जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सलेशन का हो गया एल टी माइनस टू, ये आ गया एल का स्क्वायर, और एम तो ये आ गया एम की पावर माइनस वन और एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अब इन सभी को उठा के यहाँ रख देंगे, सी का हमें पहले से पता है, तो अगर मैं यहाँ इन सभी की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, चलो दोनों साइड डायमेंशन रखो, तो डायमेंशन उधर रखोगे तो उधर बनेगा एम नॉट एल और टी नॉट, क्लियर है, और सम कांस्टेंट के, तो एच का रखोगे तो एच उधर लेके आए हो एम एल स्क्वायर और टी की पावर एम स्क्वायर टी की पावर माइनस वन की पावर एक्स चला गया, ठीक है। उसी तरह से सी का रखो, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो सी अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो सी का रखोगे तो ये आ जाएगा एल टी माइनस वन की पावर वाई, और जेड हमने लिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो एम की पावर माइनस वन और एल की पावर थ्री, और यह आ जाएगा टी की पावर माइनस टू, दैट इज एक्स वाई जेड, ठीक है, क्लियर है। अब इनको सॉल्व कर लो यार, सॉल्व कर लोगे तुम तो सॉल्व कर दूं, तो यह आ जाएगा के एम की पावर देखो एम की पावर रहेगा एक्स, और इधर आ गया माइनस जेड, तो ये आ जाएगा एम की पावर एक्स और ए जेड माइनस वन, एल की पावर देखो एल की पावर इधर टू एक्स आया और इधर वाई आया और इधर एल की पावर थ्री जेड और टी की पावर आया इधर से उठ के माइनस एक्स और इधर से आया माइनस वाई और माइनस टू जेड, दैट इज ऑल इक्वल टू ये इधर इसके इक्वेट। अब क्या करना, पावर इक्वेट कर देना, पावर चलो इक्वेट कर दिया जाए, पावर इक्वेट कर दोगे तो m की पावर इधर m नॉट है, इसका मतलब x माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ x और z आपस में इक्वल है, ठीक है, और यह आ जाएगा टू एक्स प्लस वाई और प्लस थ्री जेड, दैट इज इक्वल टू वन। देखो l की पावर इधर वन है और इधर वन है, तो ये पूरा इसके इक्वल होगा, है ना, तो और x और z आपस में बराबर है, तो x और z आपस में बराबर है तो यह जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन। साथ साथ यहाँ से देखोगे तो ये t की पावर माइनस एक्स और माइनस वाई माइनस टू जेड, दैट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि x और z आपस में बराबर है तो यह जाएगा माइनस थ्री एक्स और माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो y ने y को ख़त्म कर दिया, ऐड कर दो और यह आ जाएगा 3x इज इक्वल टू वन, इसका मतलब यह आया x की वैल्यू 1/2 आ गया।
अगर x 1 बाई टू है तो z भी 1 बाई टू है, तो x और z 1 बाई टू है, तो y कितना आ गया, y यहाँ रख दो, तो x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू 1 बाई टू रखोगे तो ये 3 बाई टू बना, और y मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई टू, y इज इक्वल टू 3 बाई टू, माइनस 3 बाई टू आ रहा ना, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई टू, दिस इज द y, तो ये x y z ये माइनस 3 बाई टू। अब y की वैल्यू माइनस 3 बाई टू है और x और z 1 बाई टू है, तो ये सभी उठा के यहाँ रखो, सभी अगर सभी को उठा के यहाँ रखोगे तो l की जो वैल्यू मिलेगी सम कॉन्स्टेंट के प्रोपोर्शनलिटी है x और y h और कैपिटल z की पावर 1 बाई टू एक साथ ले लिया मैं, और c की पावर माइनस 3 बाई टू उसको थोड़े से किनारे में रखा, तो इसका मतलब L जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, L जो प्रोपोर्शनल होगा वो H कैपिटल Z की पावर C की नीचे कर दो इसको 3 बाई टू अंडर रूट कर दो, है ना भाई, ये सब तो आना चाहिए आपको, फास्ट कैलकुलेशन करोगे तभी तो H G अंडर रूट, H G है कोई अंडर रूट C की पावर 3 में, हाँ एक भाई है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है चलो फटाफट क्वेश्चन करो, ठीक है चलो द डायमेंशन